नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एमपी की सीरीज में कंप्यूटर के लिए कल हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो है शॉर्टकट कीज के बारे में, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हर वीडियो से एक क्वेश्चन लगेगा। आप जो बच्चे इसे इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली वो जिन्होंने एमपी का फॉर्म भरा है, वो इसे कृपया करके इग्नोर ना करें, ओके। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज जो है उसको मैंने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। वैसे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा मटेरियल, लेकिन मैंने इसे आपको इजी बनाने की कोशिश की है, तो इसको मैंने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। वो पर्सनल है मेरा, वो बाद में क्या होता है उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये तीन भागों में बांटा, उसमें सबसे पहले आता है ऑल्ट के साथ। ये देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ऑल्ट के साथ, ठीक है। कौन सी कीज होंगी उससे काम चलेगा। फिर क्या है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है उसके साथ क्या काम चलेगा, ठीक है। और इधर है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो मैंने इनको तीनों को बांट दिया है। सबसे ज्यादा कंट्रोल के साथ यूज आती है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑल्ट के साथ, ठीक है। ऑल्ट के साथ अगर आप ई प्रेस करेंगे, ठीक है, ऑल्ट के साथ अगर आप ई बटन प्रेस करते हैं तो हो जाएगा आपका एडिट, एडिट वाली ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करते हैं, एफ वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप ऑल्ट के साथ F4 ओपन करते हैं तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, विंडो क्लोज। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए आपको याद रखना है, इस पर थोड़ा जोर देना है, स्टार ना कर देते हो, ये डिफरेंट है। F4 ज्यादातर लोग F से क्या काउंट करेंगे, फाइल, ठीक है, इसलिए ये F4। अब बात करते हैं कंट्रोल की, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा के दैनिक जीवन में काम आने वाली कीज है ये सारी की सारी, ठीक है। तो कंट्रोल ए अगर आप करेंगे, सबसे पहले हमें किसी चीज को, अगर मान लीजिए किसी शॉप में भी जाते हैं और हमें कोई चीज बाय करनी, तो हम पहले सेलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं तभी तो घर लेकर आते हैं। तो इसी तरह अगर हमें कोई मटेरियल, कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है किसी फाइल में से और हम उसे अपना एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ जब आप ए प्रेस करते हो तो बन जाता है आपका सेलेक्ट, जो ये फाइल होगी इस तरह से, उस फाइल में ये मटेरियल है, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करते ये सारी 10 लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है आपको, उसे कट करना है। मान लीजिए एक पूरा थान होता है 10 मीटर का, लेकिन आपको एक शर्ट बनानी है तो उसके लिए 2 मीटर कट करते हैं ना बीच में से, तो ये मान लो इतना बड़ा सारा ये डॉक्यूमेंट है, आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके अपने फाइल में लेना है। तो पहले सेलेक्ट किया, कट करने के लिए, कट का देखिए ये साइन, ये निशान इस चीज का है, सीजर होती है ना, कट 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 कट, ये निशान बहुत जगह आता है, कट, ये होता है कट। कट करने के बाद अब क्या हो गया, वो थोड़ा सेव हो गया, अब आप उसे कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए आपको देना है वी, वी, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। बीच में आप सोच रहे हो कि मैम ने एक छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, ये बताना चाहती हूँ, कट करेंगे तो भी आप पेस्ट कर सकते हैं, आपकी फाइल यहां आ जाएगी। अगर आप कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं तो भी आपकी फाइल पेस्ट हो जाएगी, ओके। यहां समझिए इस चीज को, ये देखिए ये है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपको अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा कट, और कट के साथ ये पेस्ट। बट अगर कंट्रोल के साथ आपने सी किया तो ये हो गया कॉपी, और वी करने के बाद पेस्ट, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ पेस्ट करने के हैं हमारे पास टू शॉर्टकट कीज। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कट करना है, कट देन पेस्ट, तो आपको ये लगाना है एक्स, और डायरेक्ट बोलता है कॉपी पेस्ट, तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, बोलता है कट करके पेस्ट करो तो कंट्रोल प्लस एक्स देन कंट्रोल प्लस वी, क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं, अब आपने कट कॉपी पेस्ट करके बड़ी मुश्किल से अपना डेटा एक जगह कलेक्ट किया, लेकिन क्या हुआ, डिलीट हो गया। ये मेरे साथ ना बहुत हुआ है, जब हम लोग अपने डिसर्टेशन या थीसिस बनाते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी लगती थी, फटाफट फटाफट सेव करो, यूपीएस वो होता नहीं था, यूपीएस, ठीक है, यूपीएस से याद आया, उसकी फुल फॉर्म जो हमने वीडियो देखा था, यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई,
ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकती है, यूपीएस। तो जैसे कोई चीज डेटा आपका डिलीट हो गया तो आपको ऐसा डर घबराहट, ओ माय गॉड क्या हुआ, मेरे 20-30 पेज टाइप के तो सारे डिलीट हो गए। क्या करना है आपको, अनडू डिलीट करना है, जो डिलीट हुई थी चीज उसे अनडू करना है, वापस लेकर आना है। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, Ctrl+Z। Ctrl+Z करते ही क्या हो जाएगा, वो जो डिलीट था अनडू हो जाएगा, करेक्ट। अब जैसे ही आपका फाइल डिलीट हुआ हुआ अनडू हुआ, थोड़ी प्राण वापस आए, सांस में सांस आई, तुरंत आपके फ्रेंड ने एडवाइस दी, भाई एक काम कर आप इसे तुरंत सेव कर ले वरना फिर से लाइट चली गई, यूपीएस है नहीं अपने पास। तो आपने तुरंत सेव करना था, तो कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते ही आपका क्या हो जाएगा, सेव, मतलब सेव आ जाएगा, नेम में लिखना है, थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा। Ctrl+S, याद रखिए कि बीच में डिलीट वाला मैंने इसीलिए डाला ताकि आपको स्टोरी वाइज समझ में आ सके। क्या किया आपने, डिलीट हो गया था, अंडू डिलीट करने के लिए Ctrl+Z, अंडू हो गया, अंडू होते ही तुरंत सेव करना है, Ctrl+S तुरंत। और एक और पिताजी आए हमारे, बेटा एक काम करो हैंड टू हैंड प्रिंट आउट ले लो, अदरवाइज क्या होगा ये डिलीट हो जाएगा। तो आपने Ctrl+P करते ही प्रिंट, ठीक है। लास्ट में हम इसके PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे ताकि पता लगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। ये हुआ आपका Alt+Ctrl। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है शिफ्ट। शिफ्ट के साथ देखेंगे कि कौन से शॉर्टकट कीज है जो आपके इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर दैनिक रोज में रोज काम पर रहना काम आने वाले, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हो, इसकी एक स्टोरी है वो बाद में सुनाऊंगी मैं। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हो तो हो जाएगा परमानेंट डिलीट। देखिए इस चीज को थोड़ा समझो, दो मिनट का काम, अगर आपने समझ लिया तो कर सकते हो, ये सब चीजें प्रैक्टिकल की है। ये होता है रिसाइकल बिन, ठीक है, रिसाइकल बिन है। आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, फाइल डिलीट की आपने, कहां चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई ऐसी फाइल है हिडन वर्क करते हैं जो हमें छुपाना है, और रिसाइकिल बच्चों को पता नहीं होता कि वो लोग छुपा देते हैं, और कहां दोबारा जो स्मार्ट फोन डेड होते हैं, रिसाइकिल बिन खोला पता चल गया भाई क्या करतूते की थी। लेकिन अगर आपको रिसाइकिल बिन में से भी कोई चीज डिलीट करनी है, आप क्या करिए, Shift+Delete प्रेस करिए। Shift+Delete प्रेस करते ही क्या हो जाएगी, वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। यकीन ना हो आज कंप्यूटर लैपटॉप पे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। पहले कोई फाइल को नॉर्मल डिलीट करना, रिसाइकिल बिन ओपन करना, रिसाइकिल बिन ओपन करते ही आपको वो फाइल वहां दिख जाएगी और वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। वो फाइल रिस्टोर होने के बाद आप फिर क्या करना, उसको Shift+Delete करना। Shift+Delete करते क्या हो जाएगी, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, है ना जी। चलिए ये इसका एक छोटा सा वाक्य है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो BCA का कोर्स कर रही थी, उसमें कंप्यूटर वगैरह अच्छे से आते हैं। तो जैसे मैं कभी अपसेट हो जाती थी या किसी चीज का बुरा लगता था, कहते छोड़ना यार Shift+Delete। मैंने कहा तू तो क्या है कि बार बार Shift+Delete करती रहती है। फिर जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी तब मैंने ये फैक्ट पढ़ा और मुझे समझ में आया उसके कहने का क्या मतलब होता था, दिल पे मत ले, इग्नोर कर, ठीक है, डिलीट कर परमानेंट। उस समय मोबाइल वगैरह इतने थे नहीं, फेसबुक पे वो थी नहीं, और अब मैं उसे ढूंढती रहती हूँ, सब जगह मिलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है Shift+, अगर आप इंसर्ट की डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉपी। इसको मैंने यहां पर इसलिए लिखा है ताकि आप इन दोनों को अच्छे से समझ सके, दोनों क्या हो रहे हैं। कॉपी की शॉर्टकट कीज है Ctrl+C, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, बट ये भी एक होता है, ठीक है। कॉपी के लिए दो हमारे पास शॉर्टकट कीज है, Ctrl+C कॉपी, Shift+Insert ऑल्सो कॉपी, ठीक है। ये इंसर्ट का बटन कहाँ होता है, ये होता है डिलीट के जस्ट ऊपर। ये देखिए इस तरह के कुछ 9 की 1 2 3, ये इस तरह से ना कुछ 9 की का एक बंच होता है, ये स्क्वायर फॉर्म में, वहां पर डिलीट होता है, उससे ऊपर इंसर्ट होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, मजेदार चीज होती है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए अब ये आइए कुछ सिंगल की, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, क्या पता आ जाए कभी एग्जाम में, ठीक है। इन केस अगर एग्जाम में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो रोजमर्रा में तो काम आएगा ही आएगा। मोबाइल है सब लोगों के पास, मल्टीमीडिया, आजकल क्या हो रहा है, वो 3 फिंगर से टच स्क्रीन का आता है, तो यू कर लेते हैं, वो
हो जाता है स्क्रीनशॉट, या फिर कोई यू अपनी स्क्रीन को दिखाता है तो उससे क्या होता है स्क्रीनशॉट हो जाता है। स्क्रीनशॉट हमारी डेली रूटीन का लाइफ बन चुका है, डेली लाइफ का पार्ट बन गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर आप कंप्यूटर में लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो क्या आप खोज रहे हैं कि काश ऐसा होता कि हम कंप्यूटर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते? तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट का की। कंप्यूटर में अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ये बटन प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन, और ये छोटा सा लिखा होता है PSPYSRQ, ठीक है। ये यहाँ पर होता है सबसे पहले, वो ये चार जो बनी होंगी इनमें सबसे पहला यही होता है, देन इंसर्ट एंड देन डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंगल की, सिर्फ एक की से आपका ये प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट के बाद आपको क्या करना है, पेंट पे जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, पेंट पे जाओ, वहां पर पेस्ट कर देना, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करना है, और आपका जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो पूरा पेंट में आ जाएगा, और आप उसे अपने हिसाब से छोटा ऐसे एडिट वेडिट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इज F1। ये जो बटन होते हैं ऊपर जो क्वाड्रेंट कीपैड होता है, यहाँ पर ये सारे बटन होते हैं F, K, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो F1 है ये किस काम आता है, ये काम आता है हेल्प के, किस काम आता है हेल्प के, इसीलिए सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है F1, नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्प किसकी करेगा, कौन सी विंडो में हेल्प करेगा? मान लीजिए अगर आप वर्ड फाइल खोल के बैठे हो और अगर आपने F1 दबाया तो वर्ड फाइल से रिलेटेड जो हेल्प चाहिए होगी वो आपको शो करेगा, ठीक है। अगर आप पेंट ओपन करके बैठे हो और आप किसी पॉइंट पर अटक जाते हो, आपको हेल्प चाहिए, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो वो पेंट से रिलेटेड जो भी कोई मटेरियल होगा जहाँ हेल्प चाहिए वो सारी चीज वहां आ जाएगी, ठीक है। MS Excel, जो भी कोई विंडो आप ओपन करके बैठे हो वहां पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करिए, आपके पास और हेल्प का विंडो ओपन हो जाएगा, क्लियर है। और एक जो विंडो क्लोज वाला था F4, ये सारी विंडो क्लोज पर एप्लीकेबल होता है, वेदर इट इज ऑन इंटरनेट, मतलब आपने ब्राउजर खोल रखा है कोई सभी, तो वो वाली विंडो भी क्लोज हो जाएगी। वर्ड फाइल खोली हुई है तो वो भी क्लोज हो जाएगी, पेंट फाइल खोली हुई है वो भी क्लोज हो जाएगी, ये सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म, आई होप आपको अच्छे समझ में आया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑल्ट के साथ ये लगने वाली, कंट्रोल के साथ लगने वाली, शिफ्ट के साथ लगने वाली, और ये सिंगल डिजिट जो की है उसका मैजिक। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि जो पढ़ाया है उसमें से कितना लगा है और किस तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, शॉर्टकट कीज के पिछले साल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which one of the following can be used to select document? Document को select करने के लिए कौन सी shortcut keys use होती है? तो हमने क्या देखा था, Ctrl+A, तो हमारा option number A correct हो जाएगा। चलिए next question हम देख लेते हैं। In Windows operating system, OS की full form होती है operating system, which one of the following shortcut is used to close the currently active application? तो ये पूछ रहे हैं एक्टिव एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए कौन सी थी, तो हमने बोला था ना F4 वाली एक होती है क्लोज से रिलेटेड F4, लेकिन अब यहाँ F4 सब में है, अगर किसी बच्चे ने रटा है F4 से क्लोज, मैंने कहा था डिफरेंट वाली है ये 100% आएगी, ठीक है। तो F4 अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर रटने की कोशिश की है कि F4 से क्लोज हो जाती है तो काम नहीं चलेगा, देखो स्पेस के साथ F4 है, कंट्रोल के साथ F4 है, शिफ्ट के साथ F4 है, और ऑल्ट के साथ भी F4 है, तो अब यहाँ पर हो गया काम ख़राब। तो इसीलिए मैंने वो चार्ट बनवाया था, 1, 2, 3, यहाँ पे थी ऑल्ट, ये जो चार्ट फॉर्मेशन होता है इससे चीज़ें आपकी आँखों में छप जाती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे था तो ए में था ना, यहाँ F4 ऐसे था, ऑल्ट के साथ F4 था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F4 ऑल्ट के साथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज डैश टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट, कॉपी करने के लिए एक पूछी है, एंड डैश टू पेस्ट, तो इन्होंने कॉपी प्लस पेस्ट दोनों पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में कॉपी भी पूछा है इन्होंने एंड पेस्ट भी पूछ लिया। तो मैं कह रही थी एक क्वेश्चन, तो इन्होंने दो तो यहीं पूछ लिए और एक नीचे भी पूछ लिया, तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। तो देखें कॉपी के लिए कौन सा था, Ctrl+C था, तो हमारा ये Ctrl+C करेक्ट हो गया, फिर पेस्ट के लिए Ctrl+V था, तो चलो ये ऑप्शन सही है ना, लेकिन हमें क्रॉस चेक और करना है, Ctrl+C तो कॉपी है बट Ctrl+P
पेस्ट नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यही ऑप्शन करके आएंगे, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी तो क्या होता है, प्रिंट होता है, इसीलिए मैंने आपको कंट्रोल पी साथ में बता दिया था। ठीक है, जो बच्चे ये वीडियो सही से नहीं देख रहे हैं वो सोच रहे हैं अरे टाइम वेस्ट है, तो उनका एक नंबर ठीक है, गलत हो सकता है, मैं नहीं कहूँगी किसी का गलत हो या क्या हो, बट ध्यान से देखिए है ना। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप आंसर लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में करंट जो एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए आपको इसमें से कौन सी शॉर्टकट की लेनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए पावर पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस एम, बट ये मेरे उसमें चार्ट में नहीं था, क्योंकि हर जो फाइल आप ओपन करेंगे जैसे पेंट है, वर्ड फाइल है, तो इतने सारे उसमें कमांड होती हैं, कीज़ होती हैं, हर का अलग अलग होता है। मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखिए आप देख रहे हैं 90% उससे सॉल्व हो गया है, तो लेकिन एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अच्छा एक और है क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट करने के लिए कौन सा आता है, तो ये कंट्रोल प्लस ए वाला जो हमने देखा था, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, सेलेक्ट के लिए काम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशली आपको जो ध्यान देना है वो कंट्रोल कॉपी वाले में ना, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और वी से पेस्ट होता है, ज़्यादातर लोग उसको पी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच।